हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे कि किस दिन तेल लगाना चाहिए और किस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो कुछ ऐसे सुगंधित तेल होते हैं जिनको आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन बाकी जो तेल हम लगाते हैं उनको लगाने के लिए नियम शास्त्रों में बताया गया है। तेल हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तेल से कई बीमारियां ठीक हो सकता है। हमारा हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि तेल का संबंध ग्रहों से है, इसीलिए तेल लगाने का नियम भी बनाया गया है। अगर हम उन नियमों को पालन नहीं करेंगे तो तेल लगाने से लाभ होने के बदले हमको बीमार, धन हानि और मान हानि का सामना करना पड़ता है। और ये भी बताया गया है कि इस नियमों को अच्छे से पालन करने से जीवन में धन, सौंदर्य और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं किस दिन तेल लगाने से क्या अच्छा और बुरा फल मिलता है। दोस्तों, सोमवार के दिन तेल लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन तेल लगाने से आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इस दिन तेल लगाने से आपको कई बीमारियां भोगना पड़ता है और आपकी आयु कम होता है। दोस्तों, बुधवार के दिन तेल लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन तेल लगाने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन तेल लगाने से आपको अपमान मिलता है और आपकी मान सम्मान की खेव होता है और इसके साथ ही माता लक्ष्मी रुष्ट होते हैं। शुक्रवार को तेल लगाने से शुक्र का खेव होता है और शुक्र दोष लगता है, इसलिए इस दिन भी तेल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, शनिवार के दिन तेल लगाना शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन तेल लगाने से आपको सुख की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन तेल लगाने से ताप का वृद्धि होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का होता है और सूर्य सभी ग्रहों से तेजस्वी माना जाता है, इसलिए इस दिन तेल लगाने से ताप का वृद्धि होता है और अब इस दिन तेल लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। छोटे बच्चे और बीमार लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।